ओ सुनियो ध्यान लगा के, हाँ सुनियो ध्यान लगा के, ये कथा है श्रवण कुमार की, सुनियो जी ध्यान लगा के, सुनियो ध्यान लगा के, ओ सुनियो ध्यान लगा के, ये कथा है श्रवण कुमार की, सुनियो जी ध्यान लगा के, सुनियो ध्यान लगा के, ओ सुनियो ध्यान लगा के। विद्या विद्या, तू इतनी तावड़ी गिरने क्यों कर आ गया आज? आज बस मेरे भी जी में आ गया, आज वहां भक्त चला अपनी भी बननी के लिए बतलावांगे। अच्छा हाँ। या बात सत है? रोटी टूका दिया ही माँ बाबू ने? ना ही बकित दिया, ही ले जाएंगी मैं। चलो यू और बढ़िया हो गया। और विद्या देखे तेरा के शान भूलिया जावे है, मद सारी अनबार भी तरूं आंधे मेरे माँ बाप, तेरे वर्गी लोग आई भी मिलना नहीं माने, घर में लक्ष्मी का वासा है। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज भी तो बनाए सर। हाँ। मेरे भी तो माए बाबू से। ठीक बात कही। अरनु ज्ञान करे। हाँ। आज लिया भोजन अपना माँ बाबू ने, मैं खुआगाऊंगा। तू खुआगाऊंगा? हाँ देख, तू तो रोज जना सेवा करे है, एक आदि बमन ने भी इसे यो फल ले लें दे माँ बाबू पे। ना मन खुश, तू धार रहा सर, काम कर का रहा सर, घर नहीं रहे, नमन ताता पानी का सर, हाथ पा दो ले, भोजन कर ले रहा डे रहा, मैं दिया हूँगी माँ बाप। विद्या मेरी बात सुन, तू रोज जना देख आओ है, तू निज्ञान करे लेगा लेगा ना, और मैं देख आऊंगा। ठीक सर, तू बैठ, मैं यहाँ लाई रोटी गाल का माँ बाबू की। हे भगवान, किता वो तब बचा लिए तू मन, आज नाश करवा दिया उस पड़ोस में मेरा, वह मेरी मती न फेर गई, बक्सा से सुजरा न तू दलिया दिया कर, उन तू खिचड़ी दिया कर, उन तू खट्टी राबड़ी दिया कर, देख मेरी किसी बुद्धि फेरी उसने, आज तो पकड़ी गई विद्या तू तो, सो दिन चोर के हर एक दिन साका मारेगा, आज ते जी काटेगा पुत्रा नाश जाइयो, देख किसा दिमाग खराब हुआ, फिर राबड़ी गाल बैठी मत, ले मत खीर गाल लो सो, हे भगवान बचा लिए तू की तो ताज ते, लो गाल ते लाई। हाँ। पर मनु कुछ क्यों दखी हो सर, मैं दी आऊंगी माँ बाबू ने, थोड़े से देखे उनके पाँ भी दा दे आऊंगी, कड़ भी मसले आऊंगी, नुआ धुआई आऊंगी मैं दोनों ने। विद्या हम तो भगवान दया है प्रार्थना करा, तेरे बरगी लक्ष्मी हर घर माँ आवे, मन ने मेरे माँ बाबू आगे सोचा नहीं रंदी, पर आज मैं थोड़ा बखत्ता रहा था, तू और के मैं काम कर ले इतना। फिर भी मन ना करे, देख मेरी मान जा, मैं चली जासू, तू सो ले थोड़ी देर। आज तो देख तन्ने मेरी माननी पड़ेगी, रोटी लेकर जाऊंगा मैं, कई दिन हो गए क्यों खाम खाम बहस कर रही है, वो काम कर ले तू, ये पकड़ा मने। अच्छा रोटी पकड़ा रहा तो ले जा फिर तू। तूने अड़बड़ा ही क्यों बोल रहा है, तबीयत तो ठीक होगी तेरी? ना न्यू तो मैं ठीक हूँ। हाँ। पर बस न्यू चाहूँ ठीक, माँ बाबू ने रोटी मैं दिया हुई। देख रहे विद्या, मतलब इतना मुंह तेरा, मेरे माँ बाबू आ रोटी आज मैं ले जाऊँ, तेरा ठीक हाल हुआ है? और मैं दुखी होने लग रही सुना, तू जागा उड़े ता ही। ना तू दुखी ना हो, मैं ले जाऊँ। बाबू राम राम, माँ राम राम, राम राम बेटा, पुत्ता ना हो पुत्ता फड़ो बेटा। लो बाबू भोजन ले आया हूँ। बेटा सरवण कुमार भोजन ले आया? अरे बेटा भोजन तू ले आया, बहू कित गई आज? माँ बहू भी अड़े है, फिर मन आज फुर्सत थी माँ, मैंने सोची माँ बाबू ने अपने हाथों तो रोटी खुआऊ माँ आज। यो तो बेटा बहुत बढ़िया करया तने, ला किच्छिक से थाली ले। माँ ले या ले थाली? अच्छा ले बाबू या थाली तू ले। ला बेटा, ले वाह बेटा, जीव का रहो। सरवण की माँ? हाँ सरवण के बाबू। एक मेरे मन में तान तक बात या आगी। के बात आएगी?
वेद शास्त्र ढूंढ लिए पर ओम के साथ दा कोई ना श्रवण के साथ पूछ नहीं कौशल्या के सी माँ कोई ना ठीक कैसा श्रवण के बाबू शिव जी के साथ पता ही नहीं सावित्री के सी बीन नहीं अरे और सुन ले मेरी बात हाँ। भक्ति कैसी शक्ति कोई ना और बोलनी कैसी ठेस नहीं सेवा कैसा धर्म नहीं और खून तबत्ती केस नहीं आजादी सा मजा नहीं मारे भारत के साथ देश नहीं मारे भारत के साथ देश नहीं माँ बाबू ने के सैनी सैनी बात बताई है बढ़िया बात कही है भाई ज्ञान की तेरे बाबू ने हाँ नु करो माँ लो भोजन करो मेरी बार बार परिणाम मेरी बार बार परिणाम पिता जी थारे चरणों में 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 मेरी बार बार परिणाम मेरी बार बार परिणाम पिता जी थारे चरणों में पिता जी थारे चरणों में पिताजी थर चरणों में पिताजी थर चरणों में के दाता दीन दयाल दया के दाता नमस्कार मेरी ये जननी माता नमस्कार मेरी ये जननी माता गंगा जी जैसा दाम गंगा जी जैसा दाम पिता जी थर चरणों में 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 मेरी बार बार परिणाम मेरी बार बार परिणाम पिता जी थर चरणों में पिता जी थर चरणों में चरणों में पिताजी थारे चरणों में
तज थारे चरणों में, तज थारे चरणों में। मसोरती कृष्ण लाल चरण मसोरती, मात पिता की चत में मोरती, मात पिता की चत में मोरती। सुख सेवा करूं सुबह शाम, सेवा करूं सुबह शाम, पिता जी थारे चरणों में, पिताजी तारे चरणों में, ओ पिताजी तारे चरणों में, पिताजी तारे चरणों में। मेरी बार बार प्रणाम, मेरी बार बार प्रणाम, पिताजी तारे चरणों में, पिताजी तारे चरणों में, ओ पिताजी तारे चरणों में, पिताजी तारे चरणों। अच्छा बाबू, भोजन कर लिया है तुमने? मैं चालू। अच्छा बेटा चल लगा। हाँ। एक बात सुनता था ना मेरा लाल। सुनाओ ना बाबू। हाँ बेटा, आज तो तेरे हाथ का भोजन इतना खाया हमने, इतना खाया, बहुत थक लिए, बहुत मीठा भोजन बेटा। आत्मा प्रसन्न होगी बेटा, प्रसन्न होगी। क्या आग्रह है सरवणे? हाँ बाबू। जो का आग्रह, देने को तो टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम, तिरने को अधीनता, और डुबट को अभिमान, रवार है मेरा लाल। पर बेटा हाँ, एक बात बता। बुझ माँ, कौन सा त्योहार से बेटा? त्योहार तो कोई सा भी ना माँ। तो फिर आज खीर बनी? आज खीर बनी? खीर तो माँ रोज बने। हाँ अपने बनती होगी भाई, हमने तो रोज वो दलिया मिल रहे से बेटा। के बात करी हम आया तू? श्रवण की माँ नूक ना कंदी खट्टी राबड़ी मिल रहे से। बात राबड़ी दलिया हमने तो ये चीज देखी से, और तो के मिलती है कोई नहीं। अच्छा मैं चलूं। ठीक से बेटा। अच्छा बेटा जी का सरवण के बाबू। हाँ सरवण की माँ। मन तो के मैं ऐसा लग गया जनू छोरा मारी बात सुनकर उदास हो के गया हो। मन भी उदास सा लग गया कि मैं बोल जाए को ना। हमने गलती तो कर दी। गलती तो होगी मारी ने। हमने छोरे ताई बतानी नहीं चाहिए थी। खान की? खान की बिल्कुल भूल होगी या तो ठीक है। हमने खाना प्यारा कोनी, हमने अपना बेटा प्यारा से। बेटा प्यारा है पर नुका आग्रह मिलती बात सदा से बनती, बेमिलती भी हो जाए अगर वो इंसान खता भूल का पुतला, देखे गलती भी हो जाए अगर। हे सरवण की माँ, हमने नहीं चाहिए मीठा भोजन ना खिसाए दे दो, पर हमने तो अपना लड़का लाल सरवण चाहिए। सही बात है, हमने क्या इतना देखता, आज जब मन तो शांति हो जाए सरवण के बाबू। आज पाछा हमने बसी खुशी किसाए में लियो, हम अपने बेटे आगे कोई जिक्र नहीं करेंगे। दुनिया में बेट औलाद प्यारी हो से। यह बात बनी तो टुकर बनी, मेरे माँ बाप नवा बसी खिचड़ी राबड़ी देवे, दलिया देवे, घरा रोज हलवा, कदे खीर, कदे पूड़े, कदे पापड़ी खाने मिलने मेरे माँ बाबुआ ने, बहुत माड़ी कार हुई। जय आज मैं रोटी लेकर ना आऊं तो यह बात कदी भी ना खुल रही, और मत मेरे माँ बाबू ये चीज खाऊं और मैं हलवा खाऊं, मत कीड़े ही कुंड में जाऊं, जोरा सा सेहत की है, चल घर चल कर पूछूं जब बात खुल लेगी। दिया है रोटी? हाँ रोटी तो दिया है। तेरी तो मैं बढ़ाई बहुत घनी कम करके गया, और घनी करनी चाहिए। मन के बात हुई? मेरे माँ बाबू ने के तेरी सहज की बढ़ाई करी है, तने इतनी अच्छी सेवा कर रखी है। के बोले मन तो सेवाएं करी से? वे न्यू बोले भाई सी बहू किससे करनी पाओ, हमारी दोनों टेमा बहुत बढ़िया बाजारी है। ना मन के गलती कर दी सी, कुट पर कही लाग रहा मन, कुट पर कही है मन तने गलती कर दी।
और तू नू कह अरे होनी तो ना शर्म नहीं आई डूब के मर जा किते कुआ जोड़ टोले मन्ने क्या कर दिया ही साथ तू क्यों मन खान पाड़ लग रहा है मेरे माँ बाप ना रोज खिचड़ी दलिया रबड़ी देवे आप तू खीर खावे मन्ने खीर खुआवे तो ना शर्म नहीं आई कौन कह समय उन नराबड़ी दियो सूख दलिया दियो सू मत खीर बनाऊं सू रोज जिसी मैं काम ऐसी उन न दिन लग रही अच्छा इसका मतलब मेरे माँ बाप झूठ बोल रहे हैं या बात मन ने कद कही कि मैं झूठ बोलने से और मैं क्या झूठ बोल लू सू एक आंडी एक मैं बनाने वाली और देखे मैं खीर बना लग रही रोजर मैं उनने खीर दीन लग रही मैं कित की राबड़ी दू थी फिर ये रासा क्यों रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं कि मैं रासा को नहीं हाँ। तुम मेरी बात न सच्ची मान ले मैं तो उनने खीर दू सू रोज तू फिर वो आंडी देखा मने एक बार आंडी का के देखेगा वो अदरी आंडी एक आंडी से बता कुमार के तो लाई थी मत है और के मरा भी हो तो सगनी आंडी लीन का ले उस आंडी ले और अंठा हाँ के देखना मन तो मांझ दो कद दराखी होगी वा मत देख के उसने घबराओ मत ना तू आंडी ले अग मैं देखू ना जा गए ना वो ले उसू तू अट तो कोना ले आवे यो के लगाई कि क्या हो गया एक अंडी में दो पेट बना रही रे एक और ना दलिया एक और ना खीर बना रही है डूब के मर जा तेरे ऊपर भरोसा करा और मेरे अंधे माँ बाप पादा है तू दलिया खुआवर आधा मैं इसमें तू खीर लान दे एक काम कर ले जो लोग आई मेरा माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती वह मेरी बहू नहीं हो सकती घर पे लेकर जा ना मैंने घर पे में तो काट दो ना तो ना सर पर बैठा लू ना मैं तो ना सच्ची सा झूठा दूंगी मैंने घर पे कुछ नहीं सुनना तो ना शर्म नहीं आई रहा तेरे ऊपर सब कम दरवाजा छोड़ रहा क्या मैं तेरे पापा को तेरा कीड़े पड़े ना कीड़े बूढ़ा बूढ़ी आगे ला तो ना इतना फर्क कर रहा मैं तेरे पापा को डूजू पापा गड़ा देख क्यों होगा तने एक अंडी में दो पेट बनाए हांडी दो पेट बना दिए कर दिए जुल्म कमाल तने गलती कर दो माफ मेरी मुझे कर नहीं पिया ख्याल मने एक हांडी दो पेट बना दिए कर दिए जुल्म कमाल तने गलती कर दो माफ मेरी मुझे कर नहीं पिया ख्याल मने पिता की सेवा का तू डोंगर चाया करती थी नहीं बड़ा बट थी साजन में फर्ज निभाया करती थी मात पिता ने दलिया देख तू खीर खाया करती थी मेरी बड़ो सड़ी नार चमेली मन भकाया करती थी पछेत तू खाया करती पछेत तू खाया करती ओ भला दिया की सजाड़ तने मेरी अकल पे पत्थर पड़ गया चाली खोटी चाल मने एक हांडी दो पेट बना दिए कर दिए जुल्म कमाल तने गलती कर दो माफ मेरी कुछ कर नहीं पिया ख्याल मने कुछ ते ख्याल करया होता तने कितना जुल्म कमाया नार चमेली ने पिया जी मुझको घना भगाया बगुला भगत बनी तू पापड़े
झूठा प्यार जताया। गलती होगी पिया जी मने कोन्या फर्ज निभाया। खीर बताया कर दिए थी तू, खीर बताया कर दिए थी दिए सीतरा बड़ी घाल तने। मीठी हुई खराब मेरी पिया रोकी कोन्या धाल मने। एक हांडी दो पेट बना दिए कर दिए जुल्म कमाल तने। गलती कर दो माफ मेरी कुछ करा नहीं पिया ख्याल मने। किसी गैर के बहकावे ते घर में पपन घात करी। अपना फर्ज भूल बैठी मने गंदी ते मुलाकात करी। किसी चीज की कमी नहीं तेरे क्यों करत न दो बात करी। है मुझको अफसोस दगा मने सास ससुर के साथ करी। क्या कहीं कसूती बात करी रे, घनी कसूती बात करी मेरे दिया काल जे मसालत ने। सात जन्म तक के दुख भोगूंगी नरक मिला सब ढाल मने। एक आंडी दो पेट बना दिए कर दिए जुल्म कमालत ने। गलती कर दो माफ मेरी कुछ कर नहीं पिया ख्याल मने। अंकी साजी से मन पाप बाटना पड़ जागा। मेरा कर्म मेरी खेलिया न्यू तन ना देना पड़े जागा। करने का दंड मिले पदी का पेट काटना पड़ जागा। न्यू तुझको हरे राम बंस ले छंद चाटना पड़े जागा। जहर चाटना पड़ जागा रे, जहर चाटना पड़ जागा करी जग में बुरी मशाल तने। सरस्वती की खैर बातें मिला ज्ञान कंठ सुर ताल मने। कया इंदिये तो पेट बना दिए कर दिए जुल्म कमाल तने। गलती कर दो माफ मेरी कुछ कर नहीं पिया ख्याल मने। एक हांडी दो पेट बना दिए कर दिए जुल्म कमाल तने। गलती कर दो माफ मेरी कुछ कर नहीं पिया ख्याल मने। तू ये काम कर ले मेरी आँखें गद दूर हो जा। न्यू मत कह तू मने, देख मैं माफी मांगू मैं तेरे पापा को। न्यू मत कह तू मने। ठीक है गलती भी हो जाए उसकी माफी भी हो जाए, पर यह गलती सी को ना जो तुम माफी दे दो ना। तू मने माफ कर दे, वो पड़ोसन का नाश जा रहा था उसने मैं भटका दिया। देखे सीखता पत्थर ने भी पाड़ते से मेरा कोई कसूर नहीं था। पड़ोसन की तना मान ली कि भाई इसके माँ बाप पांदो तू दलिया खिचड़ी दे रहा खीर खा और तना मान ली और मैं तना माफ कर दूं। हाँ मनु को जो तू मने माफ कर दे, मैं यह गलती जिंदगी में फेर नहीं करूँ। हृदय काम कर ले किए, तू थोड़ी सी आने कोड़ने चली जा फिर तू मैं माफ करती। तू चली चली जा, हर चीज न सहन कर सकू हूँ मैं। जो मेरे माँ बाप की तने बेरन में टिकी है न, यह सहन नहीं कर सकता। खैर दूर हो जा। समस्या खड़ी हुई इन करूं तो के कुरकुरा नहीं दिखता। तो भाई सरवण है। हाँ भाई। भाई कई दिन हो गए किड़ा उदास रहो है तुम, के बात से?
भाई तू दिल तो ही प्यारा आदमी है, तेरा गसा ची बताओ ना घर की बात के बारे बताई जाए अगर। भाई प्यारा तो ही बताई जाए अगर। हाँ मारे घर में भाई रोज हलवा खीर बने। अच्छा। और वह तेरी भाभी मेरी माँ ने मेरे बापू ने खिचड़ी देवे कि भी दलिया देवे आप खीर खावे। भाई तो करा तो गलत है पर भाई न्यू इतना दिल ना तोड़े भाई सर। उन दिल की के बाद जिसका बेटा रब हलवा खावे माँ बाप खिचड़ी दलिया खावे जीना देखिए जीना है। भाई ये तो समझाए तो है श्रवण, समझा ले भाई। समझा ली भाई, एक बिरयानी लगाएगी सीख मान के नजर मेरे लिए काम कर दे। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं हाथ जोड़ के भगवान अन्य मकूँ हूँ। हे भगवान क्यों करे मेरे माँ बाप की आँख ठीक कर देते, मेरी आँख ले ले। जब मेरे माँ बाप आज अंधे ना होंगे तो ये दिन थोड़ा देखना पड़े भाई श्रवण। हाँ ये तो तू न्यू करे के वशिष्ठ के पास चला जा। अच्छा वो स्त्री समस्या का हल कर सके है, और तो कौन करे भाई समस्या का हल। ठीक है भाई मैं जाऊं। हाँ जा भाई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम वत्स। कहो कैसे आना हुआ? गुरुजी एक समस्या लेकर आपको दूर आया हूं। बोलो वत्स। गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है। कहो। मैं हर तरफ से घिर चुका हूं गुरुजी, मेरी एक बात का भेद खोलो। क्या बात है वत्स? गुरुजी मेरे माँ बाप अंधे क्यों हुए? उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, या गुरुजी मेरे तो कोई गलती होगी हो, मेरे माँ बाप अंधे क्यों हुए? इसका भेद खोलो गुरुजी। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बताया? ना गुरुजी। सुनो श्रवण, ये सब कर्मों का खेल है। तुम्हारे माता पिता को कोई संतान नहीं थी। अच्छा गुरुजी। और संतान की चाह में तुम्हारे माता पिता ने ब्रह्मा की भक्ति की। अच्छा जी। ब्रह्मा भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा तुम्हारे भाग्य में संतान तो है नहीं, मगर तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त रखी थी गुरुजी? तुम अपने पुत्र को देख नहीं पाओगे। जब वो इस संसार में आएगा तो तुम्हारी आंखों की ज्योति चली जाएगी। अब तुम बताओ पुत्र चाहते हो या आंखें? तो तुम्हारे माता पिता ने कहा कि हमें पुत्र चाहिए, भले ही हमारी आंखों की ज्योति चली जाए। तो बेटा श्रवण, आप ही की वजह से तुम्हारे माता पिता की आंखों की ज्योति गई है। हे गुरुजी, मेरे माँ बाप ने मेरे कारण इतने बड़े बड़े कष्ट अपनी आंखें की ज्योति भी दे दी। हे गुरुदेव, हाथ जोड़कर मैं एक बात पूछूं, कोई तरीका बताओ गुरुजी, मेरे माँ बाप की आंखें की ज्योति उल्टी आ जावे, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। गुरुजी कोई उपाय बताओ, उनकी आंखें रोशनी कैसे हो, कोई उपाय बताओ गुरुजी। उपाय है वत्स। अगर तुम 68 तीर्थ धामों की यात्रा अपने माता पिता को करा दो तो तुम्हारे माता पिता की आंखों की रोशनी आ सकती है। ठीक है गुरुजी, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकूं, मेरा तो जीवन सफल हो जाए गुरुजी। ठीक है गुरुजी, आज जब मैं घर जान दिया अपने माँ बाप ने ले जाऊंगा यात्रा पर। श्रवण। हाँ गुरुजी। एक बात और सुन। कौन सी गुरुजी? यह यात्रा तुम्हारे लिए बहुत कष्टदायक है। कैसे गुरुजी? तुझे अपने माता पिता को अपने कंधों पर तीर्थ यात्रा करानी पड़ेगी। ये क्या कष्ट है गुरुजी, तो मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। मैं अपने माँ बाप ने 68 तीर्थ धाम माँ बाप अपना कंधे बिठा कर ले जाना। बहुत अच्छी बात। अच्छा गुरुजी प्रणाम। तथास्तु। माँ। हाँ बेटा। बाबू। हाँ बेटा।
मैं तुमने तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहूँ। अच्छा बेटा, तीर्थ यात्रा पे? हाँ बाबू जी। मैं तो मारा भी थी, हमने न्यू समझी कदे मारा छोरा घना दुख पावे, रवार है मेरा सपूत बेटा। हाँ बाबू। तीन किस्म के होते हैं लाडले, पूत, सपूत और कपूत। अब बाबू मैं समझा को नहीं बात ने। हाँ बेटा समझाऊं? हाँ बाबू। सपूत तो वो है बेटा जो माता पिता की सेवा करे, अच्छे अच्छे काम करे, करे भला हुआ भला अंत भले का भला बेटा। अच्छा। और पूत वो होते है जो एक दिवक का मान बीजा और न्यू भी कहते बाबू इस पर करवा ले ठोर बीजा। और कपूत तो होते सत्यानाशी, ना माँ का ना बाण का ना बाप का ना किस्सा का भी कोई ना, ओ नरबाग नाश की जड़। माँ। हाँ बेटा। फिर ढील ना करो, चलो चल लेंगे। अरे बेटा मान ले, मैं अन देता हम सामने कित खची खची हन दगा बेटा तू बाया कुन ले जा। माँ पलड़ा में बाबू ने बैठाऊंगा, एक पलड़ा में अपनी माँ ने बैठाऊंगा। बेटा बैठावा तगा, रे बोझ इतना हो जाएगा कंधे का ऊपर, कितने साल लगा बेटा ताला रान दो। अरे माँ किसी बात कह दी, माँ बाप कह दे बोझ अगर बेटा बेटी खातर ना, माँ इसी बात फिर ना कहिए। शर्मन जी माँ। हाँ। मेरे एक मन में हो रहा जी के मारा बेटे का चाचर जाए पूरा अंगा हो जाए, ताला अच्छा चुगना तमन्या करवा देगा तेरे तो दाम। तब मैं कद छोरे का दिल तोड़न की कहूँ सो इसके मन में से तो चाल फिर हो जे तैयार हो रे आसो मन में के। कित ले जान लाग रही हूँ माँ बापू ने? कितने ले जान दो तुमने के मतलब? क्यों ये मेरे सासू ससुरे नहीं से? पहले तेरे सासू ससुरे नहीं दे नराबड़ी के दलिया खीर प्यार कर दी तुम, और सासू ससुराली होगी तुम। गलती किस तरह नहीं होती? इसी गलती कोई बात ना मैं त्रिकारी गऊ सुमन तू माफ कर दे, मैं माफी मांगू तेरे ते। क्यों गागा नाम लेगा ने भी गाया ना बदनाम करे तेरे बरगी गवा करे। रे मेरे अंधे माँ बाप तू आप तो खावे खीर, अरे न खुआ तू दलिया, शर्म नहीं आई तने? हट जा मेरा गदीप तू। मां तू को ना देख मेरे सासू सुजरे है, तू इन डर रहने दे मेरे ते न्यारा क्यों करे सही ने तू। मां। हां बेटा। इन समझा दे शुभ काम बजान लाग रहा हूँ, क्यों आगड़ है या क्यों बिल्ली की डरा काटे है? ये शुभ काम से बता मेरे माँ बाप बुजी से सासू सुरिया न तो न्यारा करण लाग रहा तू, देख ले माँ यो शुभ काम कैसे। बेटी न्यारा ना करता यो तो यो हमने तीर्थ करवा के लावस। तीर्थ बजाओ से माँ? यो कैसे माँ, तुमने 68 तीर्थ करवा के लाऊंगा। आय माँ फिर मैं भी तारी गैल चाल लूंगी। हाँ उड़ा और खुवा दिए दड़िए ने अड़े पड़ी रहे। ए मामा इसी गलती फिर नहीं करूँ समझा दे। फिर गलती कर क्यों कर देगी, इतना मौका ना दे मैं गलती करने का। तो देख तू बोझ मरेगा, एक पालड़े तब मैं ठा लूंगी रे, एक न तू ठा लिए। रान दे मीठी बिजली क्यों बना है, तू ठा ले पालड़े ना। अरे बैठे बैठे तेरा टूकना पगाएगा ये नीगे। ना मैं पूरा तेरा कहना मानूंगी, मैंने माफ कर दे। बोलिए माफी गिले नहीं चल लगी माया। बेटा कोई बात नहीं ले चलिया, देख ली कितनेगी। दे बहू रानी। हाँ बाबू। मेरी बात सुन, कया मान ना करे, घर सुनना भी नहीं जो डर दे, तू बीछा बड़गी रह जी घर कमा, ई बालेगा मेरा बेटा ननू आजू आ गया। ठीक से बाबू तू कैसे तो मैं रह जाएंगी अड़े। अच्छा भी अड़े रह ले मा चला। चलो बेटा। Thank you.
बेटा हमने कौन से तीर्थ कर लिए? हमने माँ गंगा, जमुना, सरस्वती, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, गौमुख, हरिद्वार, कनखल, रामरा पिंडारा, फलगु पेवा और भी कई जगह घूम लिए माँ। कितना चल रहा है बेटा? ईब हम माँ सरयू नदी की ओर चल रही है। अच्छा बेटा, राम तेरा भला करे, चलो। चल लिए भाई, ये चेयरमैन की लाश कंधा तोड़ कर कितना गोरन डाल अड़े पेट को उठा कर बात बेटा रेड कार्ड क्यों तार दी सरवण? ए बेटा सरवण बोलन सरवण के बाबू। रे बेटा सरवण कित गया? रे बोलता क्यों ना? रे बण माम ने की जागा देर का तो एक बार उतर ले नीचे देखा कि ता कि चिखड़ा से कित गया सरवण। ए बेटा सरवण रे बोल तो पर मेरा लाल है। रे के हमने तुम्हें लेके आया था जंगल में छोड़न खातिर बेटा। रे आराम ने के मैं खा जाएगा जंगली जनावर आके ने। बेटा बेटा सरवण कित से तू? रे हमने देखता ना बाल ताड़ जंगल में के कराएंगे से बेटा। रे बेटा एक बार बोल तो पर तू कित गया? इस तो बढ़िया था हम घरा बाशी खुशी खिचड़ी दलिया खा ले पड़े रहा इस जंगल में तमाम ना ना वो है बेटा। रे बेटा बन मैं छोड़ दिया तू आ गई ने जनावर खा जाएगा कटेगी रांद। हाँ बेटा तू एक बार बोल तो पर मेरा लग ला। अरे उन्हें कम से कम हमने लाकड़ी तो मिल जाती है ना कोई लाकड़ी दे रही है ना बेटा ना छोड़ के मत जा हमने। अरे बेटा एक बार बोल पर मैं बता दे दे तेरे मन में के दे बेटा। अरे एक बार बोल तो पड़े पीछे तू तेरा पाचा को ना खोल तू कावर दर्द तार के तेरा पाचा को ना तोल तू कावर दर्द तार के। रे बेटा पाचा को ना तोल या कावर दर्द तार के। अरे कौन सी बात तेरे मनवारी? कौन सी बात तेरे मनवारी? तनर क्या की चंता खारी? तनर क्या की चंता खारी? मुख से बोल तू कावड़ दर्द तार के। रे बेटा एक बमुख से बोल तू कावड़ दर्द तार के। रे बेटा पाटा को ना तोल तू कावड़ दर्द तार के। इस जंगल बियाबान में, इस जंगल बियाबान में तेरे के आगीर दान में, तेरे के आगीर दान में बिगड़ बात का खोल तू कावड़ दर्द तार के। रे सरवण पाचा को ना खोल या कावड़ दर्द तार के। रे बेटा पाचा को ना खोल या कावड़ दर्द तार के। तो वो बता रहे हैं उसके माता पिता ने, अरे मेरे बेटा तूने हमारे को बड़े बड़े तीर्थ धामों पर घुमाया फिराया है मेरे लाल दुख जी, हो बहुत बड़ी अनमोली सेवा की मेरे बेटा तुमने। कैसे बता रहे हैं? दुख जुग जी वो मेरे लाल रे, दुख जुग जी वो मेरे लाल रे, टकिया गे सी मैं तू चाल रे, टकिया गे सी मैं तू चाल रे, सेवा सयन मोल क्यों कावड़ दर्द तार के।
तेरी सेवा से अनमोल यकावड़ दर्दी तार के तेरा पाटको ना तोल यकावड़ दर्दी तार के रे बेटा पाटको ना तोल यकावड़ दर्दी तार के शरवण ने मेनू समझारे शरवण ने मेनू समझारे लगर बात मैं रोल यकावड़ दर्दी तार के बेटा मगर बात मैं रोल यकावड़ दर्दी तार के तेरा पाटको ना तोल यकावड़ दर्दी तार के शरवण सरवण के बाबू के करा राम में दिक्कत में गोंडा में दिक्कत में और चोरा बोलता न कदे चोरे गल कुछ बन गयो कदे कुछ दिन और उठा ले जाओ मेरे बेटे न हे भगवान तू तो मेरे बेटे की रक्षा करिए हे सरवण बेटा बोलता कि नारो के बतावा देखो ऐसी बन गई तो हम क्यों कर जाके मुंह दिखावांगे लोग दुनिया ताने मारेगी अबू दान दान बिना तीर्थ बिना नहीं चला छोरे न मरवाया है के कराई ए भगवान ने ए भगवान मारे बेटे ने ला दे बुला दे एक बकित से ए बेटा सरवणे ओ बेटा सरवणे सरवणे चलो बोल पर बेटा चोरों आराट मचा रहे हो बेटा रे बोलिया बेटा रे सरमण कितना था मेरा लाल क्यों कर बोले बेटा नहीं सा खुराड़ा दे खुराड़ा बोलिया मेरा पेंडा पेंडा छोड़ दो होय होय कड़ मेरी दौरा होली खोवा मेरा टूट लिया रे मेरा बेटा अम्मा तो नाटे थे नाटे थे तो बैठा के लाया था नाटे कड़े थे ऊपरला मंदिर नाटे थे नाटे दान दे ना मेरी गेल्या आ बेटा हाँ। एक बात बता के अरे तने पटक दिए हम यह कौन सी जगह है मन्नी बेरा कौन सी जगह 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 बेटा तो हमें न्यू कर उल्टा ये चाल की छोड़ दे बहुत दूर छोड़ दे बसी खुशी बेटा जी सा देगी उसे खा लेंगे और हम बेटा तन्ने खुश देखना चाहूँ तन्ने दुखी नहीं देख सकते बेटा उल्टा क्यों कर ले जाए उल्टा ले जाने में भी वो है बोझ दो मन तेरा मर दो मन समय तो तेरे इसी के मन मजा हम जंगल में क्यों पटक दिए भी तो बता दे बेटा अरे मेरा बेटा क्या मैं तो उपाय कर बता केता हो तुम किसे माँ बाप हो तुम अपने छोरन तोड़न लाग रही कह दिन होली कोटा भी ना कहीं जोटा डाले बेटा और क्या मैं कर ले और क्या मैं कर ले अब बेटा ये हमारी गलती होगी तू न्यू बता दे तू केता हो सुनो ले माता बात हमारी ना कदम बढ़ाया जागा वो आगे जब बता लूंगा मन मन कराया जागा सुनियो माता बात हमारी ना कदम बढ़ाया जागरिया के जब चालूंगा मन मन कराया जागा चलते चलते कत बदन टूट लिया मेरा कई दिन हो गए चलते चलते कत बदन टूट लिया मेरा मात पता भी अंधे मिल गए भगवान रूठ लिया मेरा मेरे मात पता भी अंधे मिल गए भगवान रूठ लिया मेरा बिल्कुल भाग फूट लिया मेरा के आल सुनाया जागाया के जब चालूंगा मल मन कराया जागा सुनिए रे माता बात हमारी ना कदम बढ़ाया जागरिया के जब चालूंगा मल मन कराया जागा
लड़का कर कटे स्कूल चालरी मेरे पड़े पर मैं छाले कर कटे स्कूल चालरी मेरे पड़े पर मैं छाले इस तया छाए परमेश्वर मन दे सकते तो ठाले इस तया छाए परमेश्वर मन दे सकते तो ठाले नाना वो जड़दा के नाले ना और नवाया जागरी आगे जब चालूगा नल मन कराया जागा सुन ले माता बात हमारी ना कदम बढ़ाया जागरी आगे जब चालूगा नल मन कराया जागा ते ही श्रवण जब इतनी बात कहता है तो उनके माता पिता को बड़ी बेचैनी प्रकट होती है कि कैसी बातें करने लग गया ये अब तो हमारे को तीर्थ धाम करवा रहा था अब हमारे से किराया मांग रहा है कैसे बताया तो सुन सुन के ने बात पूत की किस तड़काया में जाड़ा सुन सुन के ने बात पूत की किस तड़काया है दाना आगे श्रवण जब चालेगा दे दोगे दर का भाड़ा यो आगे श्रवण जब चालेगा दे दोगे दर का भाड़ा के बेरा था इतना हमारा यो कर्म लखाया जागरी आगे जब चालूंगा मन मन कराया जाना सुन ले माता बात हमारी ना कदम बढ़ाया जागरी आगे जब चालूंगा नल मन कराया जाना कद गर्मी कद सर्दी ही लागे जो पड़े कसूता पाला कद गर्मी कद सर्दी लागे जो पड़े कसूता पाला कृष्ण लाल मौसम बैठे ले राम भजन की माला ओ कृष्ण लाल मौसम बैठे ले राम भजन की माला इब्यागा चलन का चाड़ा ना बोझ उठाया जागरी आगे जब चालूंगा नल मन कराया जाना सुन ले माता बात हमारी ना कदम बढ़ाया जागरी आगे जब चालूंगा नल मन कराया जाना सुन ली तुमने मेरी बात है हाँ बेटा किराया दोगे तो अगन चाल लूंगा ना एक डंगी टेकू दोनों जने बैठ के अपनी बतला लो अरे बेटा श्रवण की माँ आप दोनों मनावा अपने साथ में ये तो आए ठीक है के मनावा मेरे तो श्रवण के बाबू जो ये समझ मना आती छोरा इतने चात ठाके ले आया था इतने सारे तीर्थ करवा दिए एक मीठा मीठा बोल बोल अरे के जलो मया आड़ा के मेरा जंगल में क्यों तर दिया कावड़ आ बेटा रे श्रवण एक बात बता दे ये बाड़ा मंग गयो मार दो एक बात बता दे बेटा हाँ बोल या भूमि कौन सी जायद यो मेरठ शहर है मेरठ शहर है हाँ। बेटा न्यू करता हूँ किराया तने डोडा जाएंगे इस मेरठ की सीमा से बाहर काट ले किराया जरूर जाएंगे बेटा मान ले मारी तेरा बाबू ठीक कर ऐसा बेटा इस सीम तो काट दे तेरा किराया मिल जाएगा ठीक सही तेने अंडाली सीम तो भी काट दो अच्छा बेटा बैठो बैठेंगे चल बेटा श्रवण है हाँ माँ किसी का लिए बेटा हम माँ मेरठ की सीम तो लेकर लिए बेटा श्रवण है हाँ बाबू एक बार रुक जा कावन तो तला तार दे हमने एक बार ठीक से बाबू ये किराया बता बेटा की तेरा
बाबू हाथ जोड़ के माफी मांगू, उड़ा में जो बोल गया अपनी सोदी में नहीं था, मैंने क्या कह रहा नहीं चाहिए। अरे ये तो माफी मांगने लग गया, जब तो तू इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, मेरा दे माँ बाप पल्ले पड़ गए, मेरे कर्म फूट गए, मेरा न्यू हो गया। मैंने खुद नहीं बेरा माँ, मैं उड़ क्यों कर बोल गया। रे यो मन में बेरा से यो था बेटा जगह का फेर, जगह जगह में भी अंतर हो से। अरे इससे मारे तेरा ताई हमने न्यू कही थी, अरे बेटा तू सीमा तो काट दे, फिर किराया दे देंगे, तो वह बात क्या आई थी, जो जगह का फेर था बेटा, तेरी कोई गलती नहीं से। मन मना रखी बाबू मेरी बात न, मैं बस मन नहीं था। अरे बेटा मैंने पहले कह रखी तू सपूत है, सपूत है, अब बेटा कोई मन में मारे बुखल नहीं से। तू भी बेटा अपने मन में मत रखिए, कदे तू पछतावा करे, ये तेरा कोई कसूर नहीं। अब चल बेटा, एक तो लवाई लाग रहा होगा वो तीरथ भी। ठीक से मां ठाम का उड़न, चल ले मत, चलो चल। अच्छा हाँ बाबू, तेछला जाई बेटा पानी प्यावने, तेछ तो बेटा मन नहीं लाग रही है। अच्छा माँ, ले इसमें देखो कर मंडल में पानी, देखो तो बेटा पै दे दो तो घुट पानी। हाँ माँ इसमें तो पानी को ना, एक काम करो माँ, और छाम बैठ जाओ तुम, और मैं लियो ले आ पानी भर कर। अच्छा ठीक से बेटा। माँ बाबू जी मुझे साहे बैठे हैं, ये शाम में दिखा पानी पाए, ठीक है अरे तो बढ़ो माँ पानी, बात हो गया, ले भाई डबोले कर मंडल है। शायद नदी किनारे कोई जानवर आ गया है, क्यों ना उसी का शिकार किया जाए। आए माँ, किस भाई ने मेरा ये तीर मारा, किस काम ने के बिगाड़ा था, अरे मारनी है कितने सुनता गिनता हो, मेरे बच्चा लिया नहीं जागा, आंधे मेरे माँ बाप बैठे हैं, मैं जाकर पानी पै देवते साए, हे भगवान मैंने किसका के बिगाड़ा, अपने माँ बाप ने तीर्थ प्राण लिया, चुप कर वो उल्टे जावेंगे, जंगल बिया बांध का मामला मेरे मालिक कोई राह देखा, आए माँ आए बाबू मर गया, आए माँ आए माँ। किस पापी ने तीर रे मेरे तन में मारा, किस पापी ने तीर रे मेरे तन में मारा, किस पापी ने तीर रे मेरे तन में मारा। इशारे कसूता लग्या झटका, इशारे कसूता लग्या झटका, पल भर भी ना खाया फटका, पल भर भी ना खाया फटका, गया छाती ने चीर रे मेरे तन में मारा, किस पापी ने चीर रे मेरे तन में मारा।
एकदम हो गया गोरे अंधेरा, एकदम हो गया गोरे अंधेरा, पड़ताया है मंदा चेहरा, पड़ताया है मंदा चेहरा, बंद गया मेरा शरीर रे मेरे तन मैं मारा, किस पापी ने तीर रे मेरे तन मैं मारा, यो किस पापी ने तीर रे मेरे तन मैं मारा। शरण कुमार को तीर लगा हुआ है और वो एक बात के द्वारा उसको पापी पापी पुकार रहा है, क्योंकि उसके माता पिता अंधे थे। वो कह रहा है पापी मेरे पास आ, मैं तेरे को कोई बात बताऊंगा। क्या बता रहा है? सुनता जाइए पापी बंदे, सुनता जाइए पापी बंदे, मात पिता मेरे दोनों अंधे, मात पिता मेरे दोनों अंधे, कौन बंधावे उनकी तीर रे मेरे, तन मैं मारा।